So finally guys, after so long time, घर आ गया हूँ. और जो यार अम्मी अबू से मिलने का जो सुकून है ना, उसकी तो क्या ही मिसाल है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से फिट फाट है. फाइनली वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज. अभी अभी उठा हूँ नींद से, अभी हो रहे हैं डेट, ठीक है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं. सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मिट्स हो गए कंप्लीट. बिल्कुल एक जो बर्डन होता है ना सर पे, टेंशन होता है सवार पे पढ़ाई का, वो फाइनली हो गया है खत्म. अच्छा, अभी बिल्कुल रिलैक्स फाइनली. सो अभी आपको एक मैं चीज दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा, गैस करिएगा कि ये क्या है. हाँ, ये एक सरप्राइज है. चले क्या आपसे क्या छुपाना आपको बता देते हैं. अभी मजा आएगा ना. भिड़ आपने ये तो देख लिया कि सामान है पैक. अभी किधर जा रहा हूँ, चले ये भी आपको मैं बता देता हूँ. ब्लॉग को बस एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करेगा, लिटरली बहुत मजा आने वाला है. इस ब्लॉग में शायद ट्रेवलिंग वाइफ भी हो. इस ये ब्लॉग तो मेरा इस समय मेमोरेबल बनने वाला है, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है. डू लाइक कमेंट शेयर टू. अभी सीन ये है कि पेपर्स हो गए ना कंप्लीट, ठीक है. मेरा बस सडनली प्लान बन गया कि भाई पेपर्स हो गए कंप्लीट ना, ज्यादा नहीं वीक डेट के लिए जगह बाहर चला जाए, मतलब जहाँ पे मेरा अपना घर है बेसिकली, सो वहाँ पे चला जाए और फैमिली से भी दोस्तों से भी मिल के आना चाहिए. मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे फिर. मैंने कल सोच लिया, पैकिंग वगैरह भी कर ली जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है. अभी बस रात की टिकट्स भी डन हो गई है, फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बस रात में चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे. बस ये है कि आपने करना है क्या, ब्लॉग को एंड तक देखना है, ठीक है गाइस. अभी नाश्ता वगैरह भी आ गया है, नाश्ता भी मैं कर रहा हूँ, अभी करूँगा. फिर देखते हैं क्या सीन है. A few moments later. So guys, hand free हो गई है खराब. So चलते हैं फटाफट नीचे से shop से hand free लेते. So let's go. So guys, finally hand free भी पकड़ लिए. So अभी time हो रहे हैं 7:30. 7:30 हो रहे हैं. So फटाफट हमें 10 बजे तक जो है वहाँ पे पहुँचना भी है. So फटाफट अभी जाना है, fresh वगैरह भी होना है. फिर एक दो दोस्त साथ भी चल रहे हैं. So वो भी आएंगे. फिर खाना वगैरह भी साथ खाना है. तो मेरी पैकिंग भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. सो अभी बस फटाफट रेडी होना है. सो बस एंजॉय करें, देखते जाएं. One hour later. गाइस, फराज भाई ने ज्वाइन किया. फराज भाई, क्या हाल है? खैरियत से आपका शुक्र. ठीक ठाक, कहाँ पे चल रहे हैं, मतलब चेक अप? जी जी, चेक अप चल रहा है. अभी हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने. तो खाना वगैरह खाकर 10 बजे तक निकलना भी है. A few hours later. सो गाइस, खाना वगैरह खा लिया फाइनली. अभी आ गए इधर हॉस्टल पे. सो अभी थोड़ी देर में निकलना है घर की तरफ. सो अभी टाइम हो रहा है 9:30. 10 बजे तक हमें जाना है. सो एंजॉय करते जाए, बस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बस एंजॉय करिएगा, ठीक है. लेट्स सी आगे क्या होता है. गाइस अभी बस निकल रहे हैं, ठीक है, दुआ में यार. वालेकुम सलाम. ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामान. जियो फराज, जियो. तो गाइस आ गए यहाँ पे ब्लू लाइन स्टॉप पे. सामान वगैरह निकाल दिया सारा. अभी सामान ब्लू लाइन स्टॉप. अच्छा, सामान वगैरह निकाल दिया. अभी बस जा रहे सामान वगैरह जो है लोड करवाना है गाड़ी में. छत्री सतरी अब आए भी आती 9 नंबर. सो मुझे गाइस हो रही थी सफ़र में बहुत ज़्यादा बोरियत. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करूँ तो करूँ क्या. और तो मेरे दोस्तों की सीट्स भी मुझसे काफ़ी अलहदा थी. सो बस वैसे ही बोर ही हो रहा था, बस इंतज़ार था कि कहीं स्टॉप लग जाए. सो गाइस नींद आ गई थी, अभी आँख खुली है. अभी कोई मोरो में स्टॉप हुआ है ब्लू लाइन का. अभी टाइम हो रहे हैं 4.
अभी मतलब मजीद और 3-4 घंटों का सफर रह रहा है। सो अभी कुछ खा भी लेते हैं, स्टॉप तो वैसे हुआ है, दोस्त सामने खड़े इंतजार कर रहे हैं। सो अभी खा भी लेते हैं, फिर जैसे ही रवानगी होगी सो आगे फिर आप लोगों के लिए शॉर्ट्स भी बनाएंगे। सो बस आप देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं। और तो यहाँ पे कराची के बनिस्बत ठंड भी बहुत है। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है, अभी दोस्त भी साथ है, फराज भाई है, मोहसिन। यार ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है फराज भाई, ठंड ज्यादा है, जा रहे हैं पढ़ लिख के घर, टाइम हो गया है घर का, अम्मी अबू का नाम रोशन करके अभी हम घर जा रहे हैं। अभी 3-4 घंटों का सफर और भी बाकी है। खैर तो 3-4 का दिन। मोहसिन भाई गिटार पे रहे भाई ने। चले गाइस फिर आगे देखते हैं क्या सीन है, क्या लग रहा है। So guys, finally हम सखर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। Later. So guys, finally घर पहुंच चुके हैं, so अभी चलते हैं फटाफट, अम्मी अबू वालों से मिलते हैं। So let's see उनके reactions क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। So finally guys, after so long time, घर आ गया हूँ। और जो यार अम्मी अबू से मिलने का जो सुकून है ना, उसकी तो क्या ही मिसाल है। So अल्हम्दुलिल्लाह finally मैं भी अपने घर पहुंच गया हूँ खैर खैरियत से, ठीक है। वही अपनी पुरानी जगह जो न्यू व्लॉग करियर में जो होती थी मेरी, वही अपना रूम, वही मौज मस्तियां होंगी इंशाल्लाह। सो गाइस बस करते हैं व्लॉग को एंड, यार उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, बैटरी भी डेड होने वाली है, ठीक है। सो बस उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अम्मी को सरप्राइज दिया आके घर। सो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। सो बस अभी मैंने व्लॉग एंड करना है, अभी आराम भी करना है, सफर की वजह से नींद भी नहीं की हुई। सो नींद से उठकर व्लॉग एडिट करके पोस्ट भी कर दूंगा। सो इंशाल्लाह अभी बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने करना कि एज यूजुअल जैसे पहले सपोर्ट करते थे, ऐसे ही मुझे अभी आपसे सपोर्ट चाहिए। पेपर्स की वजह से थोड़ी डिस्ट्रेक्शन आ गई थी यूट्यूब चैनल में, मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोई नहीं, फिर भाई की एंट्री लगी है और अभी बेहतरीन एंट्री कंटिन्यू रहेगी। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।